इस दुनिया में पहली बार तुम्हारे रोने पर दुनिया खुश हुई थी। अब जब तुम इस दुनिया में आ ही गए हो मेरे दोस्त, तो कुछ ऐसा करके जाना कि जब तुम जाओ तो ये दुनिया रोए और तुम हंसते हंसते जाओ। वेलकम यू गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में, और आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हम ये अगस्त महीने के पार्ट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। एंड इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, देन सब्सक्राइब इट एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 14th वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2019 किस जगह हुआ। हमारे ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद एंड बेंगलोर। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। और फिर देखिए एक्सप्लेनेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। तो जो 14th वर्ल्ड एजुकेशन समिट हुई है ये दिल्ली में हुई है, ये 9th एंड 10th अगस्त को हुई थी वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट 15th वर्ल्ड एजुकेशन समिट होने वाली है वो भी इसी साल होने वाली है, और इंडिया में ही होने वाली है, जो कि होने वाली है मुंबई में, और ये होगी 21 और 22 नवंबर को, ठीक है। आई होप यू गेट इट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम ने BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 में कितने मेडल जीते। हमारे ऑप्शन हैं 9, 12, 15 एंड 5। तो इसका राइट आंसर है 12। इंडिया ने BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 12 मेडल जीते, ठीक है। और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, ये चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी, ये हुई थी बेजल स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और ये इसका लोगो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर बात करें मेडल टैली के बारे में, तो मेडल टेबल में जो इंडिया की रैंक है वो है 3rd, और इंडिया ने टोटल, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 मेडल जीते हुए हैं, ठीक है, टोटल 12 मेडल जीते हुए हैं, जिनमें से 3 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। हाईएस्ट जो टॉप रैंकिंग है वो चाइना को मिली है, जिसमें से उनके 13 टोटल मेडल्स हैं, जिनमें से 7 गोल्ड हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और अगर हम बात करते हैं कि गोल्ड मेडल्स या फिर मेडल्स किन किन ने जीते, तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो गोल्ड मेडल्स पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं मेंस इवेंट के बारे में। तो मेंस इवेंट में सिंगल्स SL3 कैटेगरी में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता, और ये इनका 3rd गोल्ड मेडल था। कहने का मतलब ये है कि प्रमोद भगत इससे पहले दो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डबल्स SL3 एंड SL4 कैटेगरी में, तो इसमें भी प्रमोद भगत और मनोज सरकार ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। रिनोहो ने इंडिया की ही टीम को हराया, ठीक है। अब अगर इसमें बात करें तो जो प्रमोद भगत थे इनका ये डबल्स कैटेगरी में 2nd गोल्ड मेडल था, मतलब इससे पहले ये 1 गोल्ड मेडल पहले ही जीत चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वुमेंस के बारे में। तो वुमेंस इवेंट में सिंगल्स SL3 कैटेगरी में मानसी जोशी ने गोल्ड मेडल जीता, और ये इनका 1st गोल्ड मेडल था, ठीक है। और इन्होंने भी इंडिया की ही टीम को हराया, वो भी इंडिया की ही थी, जिन्हें सिल्वर मेडल मिला, उनका नाम था पारुल परमार, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज फ्लाइट कमांडर ऑफ अ फ्लाइंग यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग यूनिट में अभी अभी एक फर्स्ट फीमेल ऑफिसर को अपॉइंट करा गया है एज अ फ्लाइट कमांडर, तो उनका नाम क्या है। हमारे पास ऑप्शन है सलीजा धामी, गीता कुमारी, विद्या धामी या सलीजा कुमारी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सलीजा धामी। सलीजा धामी को
अपॉइंट करा गया है फीमेल ऑफिसर, ये फर्स्ट फीमेल ऑफिसर हैं जिन्हें अपॉइंट करा गया है एज अ फ्लाइट कमांडर। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द लेटेस्ट चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स। हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो वो स्टेट जिसने इस इंडेक्स को टॉप करा है वो है केरल, और यूटी जिसे यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं जिसने इसे टॉप करा है वो है पुडुचेरी, एंड वो स्टेट जो इस इंडेक्स के बॉटम में है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब कुछ ये भी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स रिपोर्ट, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड पुडुचेरी टॉप द चार्ट, वाइल मेघालय, झारखंड एंड मध्य प्रदेश फीचर्ड एट द बॉटम। और अगर हम बात करें कि ये जो इंडेक्स है ये कौन देता है, तो ये एक कोलैबोरेशन वर्क है टू पार्टीज़ का। पहली है इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च, एंड द सेकंड इज़ वर्ल्ड विजन इंडिया। वर्ल्ड विजन इंडिया एक एनजीओ है। ठीक है, और इन दोनों के कोलैबोरेशन वर्क से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, बेसिकली जो ये इंडेक्स है ये तीन डायमेंशन पे काम करता है। पहला है हेल्थ, मतलब बच्चे की हेल्थ कैसी है। ठीक है, सेकंड इज रिलेशनशिप, बच्चे के साथ में कैसा रिलेशन रखा जाता है। ठीक है, बच्चे के साथ में कैसा रिलेशन रखा जाता है। एंड द थर्ड इज प्रोटेक्टिव कॉन्टेस्ट, कि बच्चा अपने आप को कितना प्रोटेक्टिव फील करता है। ठीक है, और इसमें 24 इंडिकेटर्स भी हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये रिपोर्ट जो है कुछ वेरिएबल्स पे काम करती है, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सैनिटेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। ये सारे के सारे चीज़ों के कोलैबोरेशन को देखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, और जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसे इस रैंक में टॉप पोजिशन पर रख दिया जाता है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इन आर्कटिक। हमारे ऑप्शन है चाइना, इंडिया, रशिया, जापान। ठीक है, तो द राइट आंसर इज रशिया। रशिया ने अपना फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करा है। इसका बेसिकली काम ये होगा कि एक एनर्जी प्रोवाइडर की तरह काम करेगा, और रशिया के किसी दूसरी जगह पे एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये रिएक्टर वहाँ पे पहुँचकर उस जगह को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही उसका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो फिर इस रिएक्टर को उस जगह से हटाकर फिर इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। रशिया के बारे में बात करते हैं, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, जिनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबेल। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रशिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। पहला है गीता गोपीनाथ, क्रिस्टीन लगाड़े, डेविड लिप्टन एंड अंशुला कांत। तो इसका राइट आंसर है गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ को अभी हाल में ही चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है IMF का। ठीक है, और अभी हाल में ही क्रिस्टीन लगाड़े अभी हाल में ही क्रिस्टीन लगाड़े ने अपना रिज़ाइन दिया है MD के पद से। ठीक है, और ये अभी 16 सितंबर को अपने पद को छोड़ देंगे। अभी हाल में डेविड लिप्टन उनके पद को संभाल रहे हैं, और अंशुला कांत जो हैं इन्हें भी अभी हाल में ही वर्ल्ड बैंक में MD और CFO बनाए गए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये है अंशुला कांत की फ़ोटो, और बगल में है गीता गोपीनाथ जिन्हें हाल में ही IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है, और अंशुला कांत जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक की MD एंड CFO हैं। ठीक है, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जाने से पहले अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खुश रहिए।